नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल के लिए जेन इंडिया रिपोर्ट पीएम बुकलेट प्रदर्शित करते एस्ट सुपरिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिस आशुतोष कुमार, दर अरविंद वर्मा चेयरमैन पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रिंस राज मैनेजर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड पोस्टमास्टर नृपेंद्र चौधरी, सैम बजट करते आशुतोष कुमार एस्ट सब पोस्ट ऑफिस, दर अरविंद वर्मा चेयरमैन पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रिंस राज मैनेजर IPPB नृपेंद्र चौधरी पोस्ट मास्ट बुकलेट प्रदर्शित करते एस्ट सुपरिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिस आशुतोष कुमार, दर अरविंद वर्मा चेयरमैन पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रिंस राज मैनेजर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड पोस्टमास्टर नृपेंद्र चौधरी। डिजिटल इंडिया की चौथी वर्षगांठ मुख्य डाकघर में मनी डिजिटल इंडिया की ओर लोगों को जागरूक करें डॉक्टर अरविंद वर्मा। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध आशुतोष एस देवजी। सुरेश नायक, पत्रकार नगर, खगड़िया। मुख्य डाकघर में डिजिटल इंडिया की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। इसके तहत डाक विभाग में विभिन्न प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया गया। उक्त अवसर पर सहायक डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार ने कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहारे डाक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दी जा रही है। पोस्टल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 1 जुलाई 2015 को देश में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया का मोटो है पावर टू एम्पायर। यह इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित है। आगे उन्होंने कहा, डिजिटल इंडिया की ही देन है आज डाकघरों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ATM, दर्पण, कोर सिस्टम इंटीग्रेशन, आधार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आदि की त्वरित डिजिटल सेवाएं दी जा रही है। डिजिटल इंडिया की ओर लोगों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। पोस्ट मास्टर नृपेंद्र चौधरी ने कहा, डाक उपभोक्ताओं के लिए पोस्ट इन्फो ऐप है जिससे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच मैनेजर प्रिंस राज ने कहा, ग्रामीण डाकघरों में भी IPPB बैंक का खाता बगैर कागजात के सिर्फ अंगूठे लगाकर खोले जमा निकासी किए जाग रहे हैं। डिजिटल इंडिया की चौथी वर्षगांठ पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों ने डाकघर का भ्रमण किया और दी जा रही डिजिटल सेवाओं का मुआयना किया। मौके पर बभनगामा शाखा डाकपाल रिंकू कुमारी ने डिवाइस से खाता खोलने और जमा निकासी करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। पढ़ें राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल जगदूत न्यूज काम पोर्टल पर। जगदूत न्यूज एजेंसी आपके साथ। रितेश राज वर्मा, स्टेट हेड, हैदराबाद। सर, आपका शुभ नाम? सर आशुतोष कुमार। सर, ये जो पोस्टल बैंक जो स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आम लोगों के लिए और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या लाभ योजना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। बैंक खुला है, इसमें कोई भी ग्राहक अपना खाता IPPB में खोल के उसको डाकघर के खाता से लिंक कर देगा, तो उसमें RTGS हो गया, बिजली बिल जमा करना है या कोई उसका DBT आना है, रिफंड आना है, तो वो सारा उस खाते में आ जाएगा। धन्यवाद सर। और वृद्धा पेंशन वगैरह जैसे होंगे, बच्चे के छात्रवृत्ति होंगे, नेट बैंकिंग हो गए, सब बच्चे का छात्रवृत्ति इस खाते में उसका रकम आ जाएगा छात्रवृत्ति का, और सब्सिडी का भी कोई भी अकाउंट इस अकाउंट को देता है तो उसके खाते में आ जाएगा। सर, यहाँ पे ये थोड़ा सा नेट बैंकिंग के बारे में जानकारी चाहेंगे कि ये नेट बैंकिंग का सुविधा है, नेट बैंकिंग की सुविधा है। तो ये जो डेबिट कार्ड आपके बैंक के माध्यम से स्टार्ट हुआ है या अन्य किसी भी बैंक के ATM में क्या काम कर सकता है, इसके लिए सरकार ने कोई परियोजना चलाई है? नहीं, आप या हम इस खाते से किसी भी बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, RTGS के माध्यम से, IMPS के माध्यम से, और इसको डाकघर के खाता से लिंक कर देंगे। डाकघर का ATM है, वो किसी भी ATM से निकलेगा, किसी भी बैंक के ATM से, किसी भी डाकघर के ATM से जमा निकासी होगा। नाम तो
हाँ सर, आपका सर शुभ नाम सर। हाँ, मेरा नाम प्रिंस राज प्रसाद हुआ, मैं शाखा प्रबंधक हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भैया ब्रांच का। जी सर, आज सर ये जो पोस्टल बैंक है उसके जो 4th एनिवर्सरी है। जी हाँ जी, तो इसके उपलक्ष्य में क्या क्या सुविधाएं आम जनता को मिल रही है और किस तरह का आम जनता को लाभ मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल करें। जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था कि मतलब घर में हर घर जो है बैंकिंग की सुविधा पहुँचाना और ग्रामीण लोगों तक सब चीज़ का सुविधा पहुँचाना थ्रू डिजिटल इंडिया, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब आज हमारा भारत इतना विकसित हो गया कि हर घर में मतलब जो लिखना पढ़ना उतना अच्छा से नहीं जानता वो भी मोबाइल रख सकता है, वो मोबाइल से बात कर सकता है, ठीक है, मोबाइल रिसीव कर सकता है, तो मोबाइल से अपना बैंक भी का भी काम कर सकता है। सिर्फ उसका एक फिंगर लगेगा और सब कुछ मतलब उनके लिए बैंकिंग के दरवाजे खुल जाएंगे। पैसा जमा निकासी, कहीं भेजना है, कहीं से मंगवाना है, सारे कुछ, बस सिर्फ एक थंब, जो कि एक अनपढ़ आदमी भी जो है वो अपना थंब के पावर से पूरा बैंकिंग की सारी सुविधाएं अपने आप के लिए उपलब्ध करवा सकता है। और वही पहल को हम लोग माननीय प्रधानमंत्री की जो पहल जो उन्होंने शुरू किया था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं डाक विभाग के द्वारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा, कि आपका बैंक आपके द्वार, मतलब अब आपको बैंक चल करके आने की ज़रूरत नहीं, अब बैंक आपके पास चल करके आ रही है। सबसे मेन हम लोग का ये बैंक का मकसद ही यही है कि डोर स्टेप बैंकिंग डिजिटल इंडिया के तहत कि लोगों को बैंकिंग सुविधाएं एक आसान तरीके से मिल सके। जो इतनी परेशानी होती है लाइन में लगना, ये करना, गर्मी में इतने दूर से आना, वो सब चीज़ से अब मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। वो बस एक ऐप डाउनलोड करेंगे, जो ऐप नहीं भी डाउनलोड करेंगे, डाकिया जी के पास ऐप है, वो अपना उन्हीं के ऐप से जो है अपना बैलेंस वगैरह सब चेक कर सकते हैं, कितना बैलेंस है, कहीं से पैसा मंगवाना है, कहाँ भेजना है। आजकल हमारे बिहार से बहुत सारे हमारे बंधु जो है बाहर में काम करते हैं, उनका परिवार यहाँ रहता है, उनमें से बहुत लोगों को बैंक जाने में डर लगता है, लेकिन डाकिया से मिलने में किसी को डर नहीं लगता, बिकॉज डाकिया उनके गांव के होते हैं, वो सबको पहचानते हैं, एक विश्वास है। तो उसी विश्वास के फाउंडेशन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस नया बैंक को चालू किया है, ठीक है, और बहुत मतलब ये लंबा चलेगा और क्या बताएं कि मतलब इतना अच्छा चीज़ हमारे प्रधानमंत्री ने चालू किया है कि मतलब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनने वाला है। ऑलरेडी इंडिया का इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस देखिए तो लार्जेस्ट बैंक बन गया है, अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बनने वाला है जल्द ही। और जो होता है एटीएम के द्वारा, इसमें आप लोग का जब होगा तो आप लोग क्या करेंगे? जी हाँ, सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि जो ये डिजिटल इंडिया के तहत जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोला गया है, इसमें हम लोग QR कार्ड देते हैं, दैट इज़ नॉट डेबिट कार्ड। वो QR कार्ड का मतलब हुआ क्विक रिस्पॉन्स कार्ड। वो जब तक कि डाक विभाग के किसी कर्मचारी जिनको मोबाइल दिया गया, जिनको अधिकृत किया गया है ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो अपने मोबाइल से उसको स्कैन नहीं करेंगे, तब तक ना ही वो कस्टमर का डेटा देख सकता है, ना ही कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना OTP के। तो ये तो बिल्कुल ही सेफ है और इसमें कोई पिन का मतलब कि फंडा तो है नहीं कि कोई आपसे फ़ोन करके पिन पूछ लिया और आपका सब पैसा निकाले। ये QR कार्ड है, इसको क्विक रिस्पॉन्स कार्ड बोलते हैं। ये जितने भी पोस्ट ऑफिस ब्रांचेज हैं ऑल इंडिया, ये सभी जगह यूज़ होता है, और इनफैक्ट जितने ATMs नहीं उससे ज़्यादा हमारे पोस्ट ऑफिस हैं गांव-गांव में, और ये 24/7 है। थैंक्स। आपका सर शुभ नाम सर? मेरा नाम अरविंद वर्मा, चेयरमैन पोस्टल सोसाइटी। सर, आज जो ये 4th एनिवर्सरी है पोस्टल डिपार्टमेंट के बैंकिंग का, इसके लिए आपके मार्गदर्शन की क्या आम जनता को लाभ मिलती है और ये कैसे आम जनता तक पहुँच पाएगा, जागरूक हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिजिटल इंडिया का लॉन्चिंग प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 ईस्वी को किया। 4th वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और डिजिटल इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी पूरा देश डिजिटल युग में चल रहा है, जी रहे हैं, और डिजिटल इंडिया जैसे ही लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, हमारा इंडिया पोस्ट उसको फॉलो किया और आज उसी का देन है कि आप जो देख रहे हैं गांव-गांव में जो हमारे डाकघर खुले हुए हैं, सारे डिजिटलाइजेशन होकर के सब जगह IPP बैंक मेरा खुल गया है, जहाँ की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं,
सीधा आइए, आधार कार्ड लाइए और सिर्फ अंगूठा लगाइए, खाता आपका खुल गया और आप जितना पैसा चाहिए जमा कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं। जैसा कि अभी एक व्यक्ति ने कहा कि क्या बोल रहे थे, हैकिंग के, हैकिंग की तो हैकिंग की बात, एटीएम में पिन नंबर होता है, उससे लोग पूछ करके जान करके कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सबसे पहली बार क्यूआर कार्ड, ये क्यूआर कार्ड है, यही क्यूआर कार्ड क्विक रिस्पांस कार्ड है। इसको जब तक आप स्कैन नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें पिन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, क्योंकि क्यूआर कार्ड से उनका लेन देन होता है। इसके साथ साथ आप अगर आईपीपी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आप बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, मोबाइल रिचार्ज, नगरपालिका का बिल, बीमा की राशि, पानी का बिल, पेटीएम रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, लोन का भुगतान, रेल डाक टिकट, घर बैठे आप आरडी जो रेकरिंग खाता होता है 5 साल का, वह खाता का पैसा भी इसमें आप जमा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे खाता का पैसा जमा कर सकते हैं, सुकन्या का खाता जमा कर सकते हैं और लड़कों का छात्रवृत्ति वगैरह बिहार सरकार ने निर्धारता किया है, बिहार सरकार से अलायंस हुआ है, उनके जितने भी छात्रवृत्ति के पैसे होंगे वो सारे पैसे आईपीपी बैंक के खाताधारी खाता के माध्यम से प्राप्त होता है। सर थोड़ा सा ग्रामीण चुके जानकार कम है और उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, तो इसके पहल में आपके पोस्टल बैंक और जो वहाँ पे जो पोस्टल के कर्मचारी है किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जागरूक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमारे डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जितने भी वर्कर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, तमाम लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे करके स्किल्ड किया जा रहा है, टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट आते हैं और उनको ऑन स्पॉट उनको सहयोग करते हैं। इसलिए अब जो है हमारे जो भी डाककर्मी पूरे हिंदुस्तान के हैं सब प्रशिक्षित हो चुके हैं, चाहे वो कंप्यूटर से हो चाहे ये डिवाइस है। ये डिवाइस गांव में ग्रामीण डाक पालों के पास रहता है और इसी डिवाइस के माध्यम से खाता खोलने का, जमा निकासी करने का कार्यक्रम ग्रामीण डाक सेवक गाँव वालों को सुविधा देते हैं। इसलिए देश विदेश में कहीं भी रहते हैं तो उनका काम इससे हो सकता है, सारा फायदा हो सकता है। आज डिजिटल इंडिया का ही दिन है कि आप घंटों क्या मनी ऑर्डर आप 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में मिलता था, मगर आज डिजिटल इंडिया का ही दिन है, यह आपको चंद मिनटों में पहुँचा। आपका शुभ नाम मैम? जी रिंकू कुमारी, भवन कामा बीओसी में ब्रांच पोस्ट ऑफिस जी। तो आज 4th एनिवर्सरी के मौके पर इंडिया पोस्ट के माध्यम से आप आम लोगों को कितनी जानकारी दे रहे हैं और क्या क्या ये लाभ लोगों को ले पाएंगे? ये मैं ग्रामीण पोस्ट मास्टर हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी पब्लिक हैं उनको मेरे थ्रू जानकारी मिलती है और मैं उनको अपने हिसाब से उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही अच्छा बैंक है जिसमें आपका 1 भी रुपया आप सेविंग करते हैं तो वो कभी आपका बुरा बुर नहीं सकता है, आपको कभी भी वो कितने भी साल हो जाए बट वो आपको हमेशा सुरक्षित है, सेफ है आपका पैसा, वो कभी भी आपको वापस मिल सकता है। और ये इसमें हर एक प्रकार की सुविधा है ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में, आप इस सुविधा को उठाइए और अपने पैसे को सुरक्षित जगह पे आप वो सेव कीजिए ताकि आपके अपने फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर खुद संवार सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में ये सेविंग अकाउंट, आरडी, टीडी, फिक्स डिपॉजिट, ये आरपीएलआई, पीएलआई,
अनेक प्रकार की सुविधाएं दिया जा रहा है ग्राम पोस्ट ऑफिस में। आप उसमें अपने पैसे को सेविंग कीजिए और अपने फ्यूचर को संवारिए। इस तरह से मैं अपने ग्रामीण को ये समझाती हूँ और वो हम लोग की बातों को फॉलो करते हैं और अपना फ्यूचर संवारने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जितनी भी महिलाएं हैं खातरे गांव के, उनको तो ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए तो आपको पंचायत में जाकर के नुक्कड़ सभा या अन्य तरह के किसी प्रकार का एक कार्यक्रम कंटिन्यू रखना पड़ेगा जी। इसके लिए जैसे मैं अपने ग्रामीण महिलाओं को समझाने के लिए मैं वहाँ एक टाइम फिक्स करती हूँ और वहाँ शिविर लगा के अपने ग्रामीण को समझाने की और सुधार जो भी है वो उनको देती हूँ, समझाती हूँ, वो करते हैं। और ये आंटी एसपी से कौन हुआ, इसी में उनका पैसा जमा होता है और निकासी होता है। इस डिवाइस के थ्रू मैं उस इनके पासबुक के पैसे को ये डिपॉजिट करती हूँ। जैसे रेकरिंग डिपॉजिट हुआ ये आरडी, तो इसमें वो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए पैसे सेव करते हैं, जिसमें 7.5% इंटरेस्ट मिलती है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है जी, सालाना इंटरेस्ट मिलती है। और अपना पैसे सेव करते हैं, मैच्योरिटी होने के बाद मैं उनको निकासी करके देती हूँ। इस तरह से मैं पोस्ट ऑफिस का लाभ है। आने वाले टाइम में क्या इंश्योरेंस संबंधित भी योजनाएं इस पोस्टल बैंक में आने की संभावना है? जी सर, अभी चल रही है, बट इसे लिंक नहीं हुई है, बस थोड़ी दिन बाद हो जाएगी। थैंक यू।